हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे बबल सॉर्ट एल्गोरिथम। उसको डेवलप करेंगे और उसकी कॉम्प्लेक्सिटी को डिस्कस करेंगे। तो देखिए, बबल सॉर्ट क्या होता है, कैसे काम करता है, ये हम लोग इसके पहले के दो वीडियो लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं। बबल सॉर्ट का बेसिक कॉन्सेप्ट भी और उसको एक न्यूमेरिकल एग्जाम्पल से पिछली वाली वीडियो में हमने एक्सप्लेन कर दिया था। अब आज इसका हम सीधा सीधा एल्गोरिथम डेवलप करते हैं कि बबल सॉर्ट की एल्गोरिथम कैसे लिखते हैं और उसमें देखें कैसे स्टेप बाय स्टेप ये काम होता है। तो देखिए, इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जैसे हमने आपको बताया हुआ है कि एल्गोरिथम, अगर हम इसको लिखेंगे तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं, हमने लिखा एल्गोरिथम और उसके बाद एल्गोरिथम का आइडेंटिफाइंग नंबर। तो कोई भी नंबर, जैसे हमने कहा से सपोज कीजिए 4.4, मतलब फोर्थ चैप्टर का या फोर्थ टॉपिक की ये फोर्थ एल्गोरिथम हो गई। ये आइडेंटिफाइंग नंबर जो है, जो अब हमने एल्गोरिथम की जो अपनी बेसिक वीडियो डाली हुई है फंडामेंटल्स वाली, उसमें आप देखिए तो ये आइडेंटिफाइंग नंबर क्या होता है एल्गोरिथम का, ये मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक, उसके बाद हमने सबसे पहले यहाँ पे लिखा बबल चार्ट, बबल चार्ट। अब हमने इस तरह लिखा इसमें बबल ये हमने एक एरे दे दी डाटा के नाम से और उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं एन। ठीक, यहाँ पे क्या मतलब हुआ, यहाँ पे हम लिखेंगे हियर डेटा इज एन एरे एरे विद एन एलिमेंट्स, विद एन एलिमेंट्स। दिस एल्गोरिथम सॉर्ट्स द एलिमेंट्स इन डाटा। दिस एल्गोरिथम सॉर्ट्स द एलिमेंट्स इन डेटा। ठीक है, अब देखिए, अब सबसे पहले हमने क्या किया, हमने लिखा रिपीट, ये स्टेप वन लिखा, हमने कहा रिपीट स्टेप टू एंड थ्री, रिपीट स्टेप टू एंड थ्री। ठीक है, फॉर के इक्वल टू 1 2 एन माइनस वन तक हमें स्टेप टू और थ्री रिपीट करना है। अब स्टेप टू में क्या है, तो स्टेप टू में हमने लिखा एक पॉइंटर वेरिएबल लिखा, तो हमने कहा सेट पीटीआर इज इक्वल टू 1, ये हो गया इनिशियलाइज ये हमने इनिशियलाइज कर दिया किसको, पास पास पॉइंटर को हमने इनिशियलाइज कर दिया। फिर स्टेप थ्री में हमने लिखा रिपीट व्हाइल पीटीआर इज लेस देन इक्वल टू एन माइनस के। ये हो गया एग्जीक्यूटिव पास। अब इसमें पार्ट ए में लिखेंगे इफ डाटा पॉइंटर इज ग्रेटर देन प्लस वन, तो जब ये अगर ग्रेटर देन होगा पहले वाला एलिमेंट तो इसको इंटरचेंज करना पड़ेगा। तो हम यहाँ लिखेंगे देन,
यहाँ हम लिखेंगे इंटरचेंज, डाटा एंड बी हम लिख देंगे सेट पॉइंटर इज इक्वल टू पॉइंटर प्लस वन। फिर हम यहां लिखेंगे एंड ऑफ इनर लूप। यहां पे इनर लूप जो है वो हमारा एंड हो गया, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा कि इस ये इनर लूप एंड होने के बाद फिर हम यहाँ लिखेंगे एंड ऑफ स्टेप वन आउटर लूप, ठीक है। तो ये हो जाएगा एंड ऑफ स्टेप वन आउटर लूप, ठीक है। और फिर हम फोर्थ स्टेप में हम लिख देंगे एग्जिट। तो इस तरह से ये बबल शॉर्ट की एल्गोरिथम आप लिख सकते हैं। अब इसमें देखिए एक चीज़ आपको ध्यान देनी होगी कि ऑब्जर्व दैट देयर इज ए इनर लूप विच इज कंट्रोल्ड बाय द वेरिएबल पीटीआर पॉइंटर एंड द लूप इज कंटेन्ड इन एन आउटर लूप विच इज कंट्रोल्ड बाय एन इंडेक्स के। यानी इसके अंदर आपको ये ध्यान रखना होगा कि देखिए इसके अंदर दो लूप है, एक इनर लूप है और एक आउटर लूप है। तो ये जो इनर लूप है, ठीक है, ये तो कंट्रोल, ये जो इनर लूप है ये कंट्रोल हो रहा है, देखिए जो हमने लिखा है ना, ये जो इनर लूप है ये कंट्रोल हो रहा है किससे, पीटीआर से। और ये जो के जहां से शुरू हुआ, जो आउटर लूप है वो कंट्रोल हो रहा है किससे, के थे के से। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। अच्छा एक चीज और है कि ऑल्सो ऑब्जर्व दैट पीटीआर इज यूज एज ए सब्सक्रिप्ट बट के इज नॉट यूज एज ए सब्सक्रिप्ट बट रादर एज ए काउंटर। तो देखिए पी टी आर को तो हम नहीं देख रहे हैं, एज ए एरे के सब्सक्रिप्ट की तरह यूज किया हुआ है, लेकिन के को सब्सक्रिप्ट की तरह नहीं यूज किया है, के इज बींग यूज एज ए काउंटर। तो ये डिफरेंस है पी टी आर में और के में। तो इस तरह से आप बबल शॉर्ट की एल्गोरिथम लिख सकते हैं और एग्जाम्पल से हमने आपको पिछले लेक्चर में आपको समझा ही दिया है। अब इसके हम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करते हैं कि कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बबल शॉर्ट एल्गोरिथम। तो नाउ वी राइट कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द बबल शॉर्ट एल्गोरिथम। बबल शॉर्ट एल्गोरिथम की कॉम्प्लेक्सिटी हम डिस्कस करते हैं। तो देखिए क्या होता है कि ट्रेडिशनली द टाइम फॉर ए सॉर्टिंग एल्गोरिथम इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ द नंबर ऑफ कंपैरिजंस। द नंबर एफ एन ऑफ कंपैरिजंस इन द बबल शॉर्ट इज इजली कंप्यूटेड। स्पेसिफिकली देर आर एन माइनस वन कंपैरिजन ड्यूरिंग द फर्स्ट पास। तो बबल शॉर्ट में ये चीज़ हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि देखिए इन्होंने कहा बबल शॉर्ट की जो एल्गोरिथम है वो जनरली इट इज ए मेजर ऑफ नंबर ऑफ कंपैरिजन। तो जो नंबर ऑफ कंपैरिजन है एफ एन, ठीक है, वो उसको हम इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं बबल शॉर्ट के केस में, ठीक है, क्योंकि एफ एन इक्वल टू एन माइनस वन होगा पास, पहले पास के लिए, पास वन के लिए, फिर एन माइनस टू कंपैरिजन होते हैं पास टू के लिए, और ऐसे ही एन माइनस थ्री होता है पास थ्री के लिए, और ऐसे ही लास्ट पोजीशन तक के लिए इसके नंबर ऑफ कंपैरिजन होते हैं बबल शॉर्ट में। तो यानी कि अगर हम एफ एन को डिफाइन करेंगे तो एक तरह से एफ एन हमारा आ जाएगा एफ एन इक्वल टू आ जाएगा एन माइनस, हर एक उसमें जो है कंपैरिजन को आप ऐड करते जाइए, एन माइनस टू
एन माइनस थ्री, ऐसे ही आपका ये चलता जाएगा, लास्ट में दो कंपैरिजन, एक कंपैरिजन और एंड हो जाएगा। इसको जब आप सम करेंगे इस सीरीज को, तो ये सीरीज सम होके आएगा आपका एन इंटू एन माइनस वन बाई टू, क्योंकि 1 + 2 + 3 अप टू एन नेचुरल नंबर का क्या होता है, एन इंटू एन माइनस वन बाई टू आता है, ये आ गया। अब इसको जब आप ओपन कर देंगे तो इसको आप लिख सकते हैं, ये हो गया आपका एन स्क्वायर बाई टू और प्लस का बिगो नोटेशन में ओ एन, एक तरह से इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी ओ एन स्क्वायर आ गई। इसका मतलब हो गया कि द टाइम रिक्वायर्ड टू एग्जीक्यूट द बबल शॉट एल्गोरिथम इज प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर वेयर एन इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इनपुट आइटम, यानी टाइम रिक्वायर्ड टू एग्जीक्यूट ए बबल शॉट एल्गोरिथम इज प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर वेयर एन क्या होता है, एन हमें मालूम है कि एन इज द नंबर ऑफ इनपुट आइटम्स। तो ये कॉम्प्लेक्सिटी निकल के आती है बबल शॉर्ट एल्गोरिथम की। अब इसमें एक दो चीजें और नोट करने लायक है, वो आप सुन सकते हैं कि सम प्रोग्रामर यूजेस बबल शॉर्ट एल्गोरिथम दैट कंटेन्स ए 1 बिट वेरिएबल फ्लैग और ए लॉजिकल वेरिएबल फ्लैग टू सिग्नल व्हेन नो इंटरचेंज टेक्स प्लेस ड्यूरिंग ए पास। इफ फ्लैग इक्वल टू जीरो आफ्टर एनी पास देन द लिस्ट इज ऑलरेडी सॉर्टेड एंड देयर इज नो नीड टू कंटिन्यू। दिस में कट डाउन ऑन द नंबर ऑफ पासेज, हाउएवर व्हेन यूजिंग सच ए फ्लैग वन मस्ट इनिशलाइज चेंज एंड टेस्ट द वेरिएबल फ्लैग ड्यूरिंग ईच पास। मतलब इसमें ये चीज आप नोट कर सकते हैं कि कुछ प्रोग्रामर क्या करते हैं कि वो बबल शॉर्ट एल्गोरिथम में, यहाँ पे आप इस चीज को रिमार्केबल चीज है, इसको आप नोट करके भी लिख सकते हैं यहाँ पे, कि कुछ प्रोग्रामर क्या करते हैं कि इसमें एक फ्लैग वेरिएबल का यूज करते हैं, फ्लैग वेरिएबल का, ठीक है। और उसमें क्या होता है कि अगर फ्लैग जीरो है, इफ फ्लैग इज जीरो, फ्लैग क्या है, एक लॉजिकल वेरिएबल है, तो इफ फ्लैग इज जीरो आफ्टर एनी पास तो क्या होगा कि देन लिस्ट इज ऑलरेडी सॉर्टेड एंड देयर इज नो नीड टू कंटिन्यू, ठीक। अच्छा, इससे क्या होता है, इससे फायदा ये होता है कि हमें नंबर ऑफ कंपैरिजन हमारे रिड्यूस हो जाते हैं। बस इसमें एक चीज ध्यान रखनी पड़ेगी कि फ्लैग को हमेशा व्हेन यूजिंग सच ए फ्लैग वन मस्ट इनिशलाइज चेंज एंड टेस्ट द वेरिएबल फ्लैग ड्यूरिंग ईच पास। तो फ्लैग को हर एक पास के साथ इनिशलाइज करना चाहिए, चेंज करना चाहिए और टेस्ट करना चाहिए। हेंस द यूज ऑफ द फ्लैग इज एफिशिएंट ओनली व्हेन द लिस्ट ओरिजिनली इज ऑलमोस्ट इन सॉर्टेड ऑर्डर। तो कोई लिस्ट अगर मान लीजिए ओरिजिनली ऑलमोस्ट सॉर्टेड है, मतलब ज्यादा पास हमको नहीं चलाने की जरूरत पड़ेगी, तो ऐसी जगह पे अगर आप फ्लैग का इस्तेमाल करेंगे तो उसमें उसकी सॉर्टिंग और एफिशिएंसी से हो जाएगी। तो आई होप कि आपको ये बबल शॉर्ट एकदम क्लियर हो गया होगा। इसकी लास्ट की तीनों, आज की वीडियो और पिछली दोनों वीडियो मिला के आपको बबल शॉर्ट एल्गोरिथम लिखने का और उसको न्यूमेरिकल एग्जाम्पल, दोनों चीज़ें एकदम क्लियर हो गई होंगी। फिर भी अगर कोई डाउट या कन्फ्यूज़न है तो कमेंट लाइन में कमेंट करके बताइए, और अगर वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से मिल सके। थैंक यू।